पहले लव मैरिज और फिर पति के दोस्त के साथ ही आशिकी, बस अवैध प्रेम संबंध की यही कहानी शादीशुदा विष्णु मंडल के लिए जानलेवा बन गई। मामला कटिहार के मुफस्सल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 13 सितंबर के इस घटना में पुलिस ने अब पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। सदर DSP अभिजीत कुमार ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को कटिहार मनिया रेल लाइन के किनारे पानी के गड्ढे में बोरे में बंद शव बरामद हुआ था। पुलिस ने जब इसी शव के आधार पर जांच शुरू की तो पता चला कि यह शव विष्णु मंडल का है। जब पुलिस तमाम तरीकों से जांच में आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने अवैध प्रेम संबंध की चौंकाने वाली एक कहानी सामने आई। पुलिस को पता चला कि फटकन मंडल, जो तमन्ना खातून नाम की एक लड़की से शादीशुदा था, शादी के बाद तमन्ना स्वीटी बनकर फटकन के साथ रह रही थी। इसी बीच परिवार और समाज के दबाव के कारण फटकन दिल्ली मजदूरी करने चला गया, लेकिन उससे पहले वह तमन्ना उर्फ स्वीटी को विष्णु के पास छोड़ गया। इसी बीच विष्णु और तमन्ना उर्फ स्वीटी का अवैध प्रेम संबंध पनपने लगा। परिवार वालों की माने तो विष्णु और तमन्ना एक साथ दिल्ली भी गए थे, लेकिन बाद में विष्णु तमन्ना उर्फ स्वीटी वापस लौट आए, लेकिन दोनों का प्रेम संबंध बरकरार रहा, जिस कारण से फटकन ने स्वीटी के साथ मिलकर प्लान करके विष्णु को मारने के लिए अपने घर बुलाता है और गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। बाद में लाश को ठिकाने लगाने के दौरान संजय मंडल ने भी इन दोनों की सहायता की थी। कुल मिलाकर कटिहार मुफस्सिल थाना के चर्चित विष्णु मंडल हत्याकांड का यह खुलासा भरोसे के रिश्ते का भी कत्ल कहा जा सकता है। एक मामला मुफस्सिल थाना में 24 सितंबर को दर्ज किया गया था, जिसमें विष्णु मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और बताया गया था कि 13 तारीख से ही ये गायब हैं। पुलिस के खोजबीन के क्रम में 1 अक्टूबर को कोरिया पट्टी, जो बैगना के पास स्थित है, वहाँ के पुलिस लाइन रेलवे लाइन के पास से डेड बॉडी मिली थी, जो कि बोरे में भरी हुई थी और बहुत पुरानी डेड बॉडी लग रही थी, जिसको हम लोगों ने उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जब हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य और जो लोगों से बयान लिया, उसके आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी। इन लोगों को गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ किया गया तो संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इन लोगों के द्वारा, और भी 2-3 लोग इसमें शामिल थे, इन लोगों के द्वारा 13 तारीख को पहले विष्णु मंडल को बुलाया गया और फिर इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद लाश को रात में रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया और जिस बाइक से वो आया था, उस बाइक को दूसरे दिन, दूसरी रात में उसको उसके पुर्जे खोलकर पुर्जों को बेच दिया गया और जो बाइक का चेचिस था वो घर के पीछे डुबो दिया गया। उस इन लोग के निशानदेही पे उस डूबे हुए तालाब में डूबे हुए चेचिस, जो बाइक की चेचिस है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना का जब हम लोगों ने कारण पूछा कि ये घटना क्यों की गई है, तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि स्वीटी कुमारी, जो कि जिसकी शादी फटकन के साथ 4-5 साल पहले हुई थी और वो प्रेम विवाह था, तो प्रेम विवाह के बाद फटकन ने इसको विष्णु के घर पे ही कुछ दिन छुपा के रखा हुआ था। उस क्रम में विष्णु और स्वीटी कुमारी का प्रेम प्रसंग हो जाता है और एक बार स्वीटी कुमारी विष्णु के साथ दिल्ली भी भाग के चली जाती है। परिवार वाले इसे थोड़ा नाराज़ थे, लेकिन फिर विष्णु के द्वारा फिर दोबारा स्वीटी को इनके घर पे छोड़ा जाता है तो ये लोग फिर से स्वीकार कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले विष्णु दिल्ली से लौट कर आया था और फिर से स्वीटी कुमारी से फ़ोन से बातचीत कर रहा था, उसी क्रम में ये लोग ये साजिश रचते हैं कि उसको बुला के उसकी हत्या करेंगे। और उसी क्रम में ये लोग पहले 12 सितंबर को उसको बुलाते हैं, लेकिन उस दिन किसी कारणवश विष्णु उनके घर पर नहीं आता है। फिर 13 तारीख को सुबह ही बुलाते हैं, तो सुबह 10:30 बजे जब वो उनके घर पर आता है तो गला दबा कर उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं, फिर लाश को अपने घर पे ही छुपा देते हैं और रात में फिर इसको ठिकाने लगा देते हैं। हत्या की वजह क्या है? रहने वाली है कुमारी, स्वीटी कुमारी रामपाड़ा नगर थाना की रहने वाली है। असली नाम क्या? असली नाम हत्या के वजह है अवैध संबंध है। पहले स्वीटी कुमारी का प्रेम विवाह हुआ था फटकन के साथ, लेकिन बाद में ये विष्णु के संपर्क में आ जाती है और विष्णु से ये प्रेम करने लगती है और उसके साथ उसका अवैध संबंध बन जाता है। बीच में उसके साथ भाग के दिल्ली भी गई रहती है, इसी से ये परिवार से छुप रहता है। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी की। साथ ही साथ 2 लोगों का अभी नाम आया है जो इसमें सहयोग किए हैं, मन्ना जो कि संजय मंडल का भतीजा है और एक सहयोगी सोनू मंडल, जो कि हत्या का सूत्र कहाँ से मिला?
हत्या का सूत्र पहले तो जो मृतक है उसकी पत्नी का बयान लिया गया, उसके घर वालों का बयान लिया गया, गांव वालों का बयान लिया गया, तो उससे ये पता चला कि उस समय विष्णु को लास्ट टाइम कॉल करके बुलाने वाले यही लोग थे। इसमें संजय मंडल का नाम आता है कि संजय मंडल ने ही कॉल करके बुलाया है, और उसकी वाइफ का, विष्णु मंडल की वाइफ ने भी बताया कि उसका अवैध संबंध स्वीटी कुमारी के साथ था, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर हम लोगों ने जो तकनीकी साक्ष्य हम लोगों ने निकाला उसके आधार पे ये पता चला कि हाँ, कॉल तो संजय मंडल के द्वारा ही किया गया है, और लास्ट लोकेशन भी जो मृतक की है वो भी कोरियापट्टी में ही है। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने उस इन लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना बुलाया, और पूछताछ क्रम में नहीं ऐसी कोई बात समझ। हाँ, फटकन और विष्णु अच्छे दोस्त थे, इसीलिए फटकन जब प्रेम विवाह करता है और दोनों लड़की के परिवार से दिक्कत होती है तो फटकन भाग के दिल्ली चला जाता है, और लड़की को छुपाने की नीयत से वो विष्णु के यहाँ रख देता है। हमारे पति उन्नीस दिन से गायब था, पुलिस कंप्लेन सब करा था, हर खोज नहीं मिला था, हम लोग आज इधर आए हैं, आज मिला है बॉडी। कितने दिन से लापता था? 19 दिन से, 13 तारीख से। क्या हस्बैंड है? हमारा हस्बैंड है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहते थे दिलालपुर में, कटिहार घूमने आया था, घर है ये। फिर भी मधेपुरा मधेपुरा में भी है।